मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, कार्बन साइकिल। प्रकृति में कार्बन साइकिल जो है वो गैसीय चक्र के रूप में चलता है। देखिए, कार्बन चक्र जो है वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ही जीवों के लिए प्रमुख कार्बन का स्रोत होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस बहुत ही कम मात्रा में, मात्र 0.03% ही पाई जाती है, लेकिन फिर भी जीवन के लिए ये अति आवश्यक गैस है। इतनी कम मात्रा में होने के पश्चात भी यह जो गैस है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रकृति के सभी घटकों को नियंत्रित करने की क्षमता इसमें होती है। यह जीवों के लिए जल के साथ दूसरी प्रमुख ऑक्सीजन का स्रोत होती है। कार्बन समस्त प्रकार के कार्बनिक पदार्थों में एक प्रमुख तत्व के रूप में पाया जाता है। जीव जगत में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड व जल मिलकर के जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं और जीवों के जीवन के लिए जीव द्रव्य उनका भौतिक आधार है। प्राणियों में कार्बन पादपों द्वारा प्रवेश करता है और कार्बन एवं ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रवेश करती है जीव द्रव्य में मृत्यु पर्यंत उपस्थित रहती है। मृत्यु के पश्चात जीवाणु, कवक व अन्य सूक्ष्म जीवाणु अपघटन के द्वारा कार्बन को पुनः वायुमंडल में लौटा देते हैं। कुछ मात्रा में पौधे व जंतु अपनी श्वसन क्रिया द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल को लौटाते हैं। संचित कोयला, पेट्रोल, डीजल, कारखानों से निकलने वाला धुआं व ज्वालामुखी इत्यादि की क्रियाओं से भी कार्बन डाइऑक्साइड निरंतर प्राप्त होती रहती है। कुछ मात्रा में पौधे व जंतु अपनी श्वसन क्रिया द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल को लौटाते हैं। संचित कोयला, पेट्रोल, डीजल, कारखानों से निकलने वाला धुआं एवं ज्वालामुखी इत्यादि से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती रहती है। देखिए, आपके सामने कार्बन चक्र का डायग्राम दिया गया है, जिसमें जो है आप समझिए कि इसमें एटमॉस्फेयर जो है वातावरण के अंदर जो है, पहले तो जो टेरेस्ट्रियल बायोटा है जो कि पृथ्वी पर जो है जीव जगत, संपूर्ण जीव जगत है जिसमें हरे पौधे मुख्य हैं, वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो करते हैं वो वायुमंडल लिए CO2 की उपस्थिति में ही कर पाते हैं। साथ ही जो है प्लांट जो है अपना भोजन बनाने की जो क्रिया है उसके अंदर जो है CO2 गैस को यूज लेते हैं और इसी प्रकार जो है फोटोसिंथेसिस की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 है उसका यूज होता है। इसी प्रकार प्राणी जो है अपने श्वसन की क्रिया में सामान्यतया ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जो उनके शरीर में मौजूद जो ऊर्जा का आधार जो ग्लूकोज है उसको तोड़ने का काम करता है, उसका जो है अपघटन होता है जिससे कि कार्बन निकलती है। ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वापस से पुनः CO2 का निर्माण कर लेती है। इसी प्रकार जो है जीवाश्मीय जो कार्बनिक पदार्थ है वो भी उनके जलने से और साथ ही जो है ज्वालामुखी की जो क्रियाएं हैं उनसे भी जो है CO2 निकलती है जो वायुमंडल में पहुंचती है। साथ ही जो है मिट्टी में मौजूद जो कार्बनिक पदार्थ है उनसे भी इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है और
इसी प्रकार टेरेस्ट्रियल बायोटा जो है उसमें इस प्रकार की स्थिति देखने को हमारे को मिलती है। साथ ही जो है जो हमारे टेरेस्ट्रियल बायोटा है वहाँ से वर्षा जल जो है बह करके जो है रन ऑफ होके मैरिन बायोटा में पहुँचता है, समुद्री जो है वनस्पति जात है उसमें पहुँचता है। वहाँ से ये जब ये जो मैरिन जो वनस्पति जात है उनके वापस से मरने से, उनके डेड होने से जो ऑर्गेनिक मैटर का अपघटन होता है उससे जो है डिजोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर होने से जो है वो कार्बोनेट के जो सेडिमेंट्स हैं वो समुद्रों की तली में जमते रहते हैं, और इसी प्रकार जो डिजोल्व्ड इनऑर्गेनिक मैटर है वो जो है जो कार्बोनेट सेडिमेंट्स हैं उनसे डिजोल्व्ड इनऑर्गेनिक मैटर बनता रहता है, और इस प्रकार वायुमंडल में जो कार्बन का जो चक्र है लगातार चलता रहता है। साथ ही जो कार्बोनेट्स हैं वो भी सेडिमेंटरी रॉक्स में जमा होते रहते हैं। इसके बाद में हम आगे चल रहे हैं, देखिए ऑक्सीजन जल व कार्बन डाइऑक्साइड चक्रों के अन्योन्य क्रिया का जो है एक रेखीय डायग्राम बनाया गया है जिसके बारे में हम अध्ययन करें। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी आपको मालूम है ओ यानी ऑक्सीजन, C4 कार्बन और जो है H2O जल के रूप में महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो क्रिया है जिसमें हरे पौधे जो है वो CO2 और जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का काम करते हैं। इस क्रिया में वो भोजन के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट्स जमा कर रहे हैं, साथ ही ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। यह ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में प्राण वायु के रूप में सभी पादपों और जीवों के लिए यानी जंतुओं के लिए जो है प्राण वायु के रूप में काम करती हैं। पादप जो है अपनी श्वसन क्रिया में और जंतु भी अपनी श्वसन क्रिया में O2 को लेकर CO2 को निर्मुक्त करते हैं। यह CO2 फोटोसिंथेसिस के काम में ली जाती है। साथ ही जल जो है कि मुख्य घटक है। इसी प्रकार एनवायरनमेंट में जो है जल और जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक निश्चित रूप से जो है लगातार संतुलन बना रहता है, और ये संतुलन हमारी रेस्पिरेशन और जो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का काम जंतु और पादप दोनों करते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस का कार्य केवल मात्र उत्पादक हरे पौधे करते हैं। इन दोनों क्रियाओं के बीच में जो है जल का महत्वपूर्ण जो है भूमिका होती है, और इन तीनों के बीच में जो है इसी जो है लगातार जो है अन्योन्य क्रिया चल रही है इसके कारण ही पृथ्वी पर जीवन बना हुआ है। वायुमंडल के अलावा समुद्र इसका दूसरा भंडार है तथा इसमें वायुमंडल से भी 50 गुना अधिक कार्बन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। वर्षा के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर वह समुद्रों में पहुंचकर कार्बोनिक अम्ल बना देती है और इससे कार्बोनेट का अवक्षेपण हो जाता है। ये कार्बोनेट भी बाद में चूने के पत्थर का निर्माण करते हैं, और इनके समय समय पर अपरदन एवं जो है रासायनिक क्रियाओं के कारण कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का निर्माण होता रहता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल को निर्मुक्त कर दी जाती है। थैंक यू।